महीने की वारंटी देते हैं, कोई भी नहीं देता। हम 15 दिन का रिफंड दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं इस वक्त मौजूद सदर में, और सदर में मौजूद हूं तो प्राइम ट्रेडर पे। आइए भाई अंदर चलते हैं भाई। 5,000 रुपए का लैपटॉप, 6,000 रुपए का लैपटॉप, 7,000 रुपए का लैपटॉप, ये लैपटॉप क्या है? दिमाग खराब हो गया है। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे उस्मान भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। कितने का है लैपटॉप? देखिए उस्मान भाई, लैपटॉप 5,000 रुपए का नहीं होता। ये जो मार्केट में एक चीज है कि 4,000 में लैपटॉप ले लो, 5,000 में लैपटॉप ले लो, 6,000 में आपको फेंक के दे रहे होते हैं कि ये लैपटॉप ले लो, वो बेसिकली लैपटॉप्स नहीं होते, वो क्रोम बुक्स होती हैं। आप अगर मुझे भी कहेंगे तो मैं आपको 5,000 में लैपटॉप दे दूंगा, लेकिन वो लैपटॉप नहीं होता, वो बेसिकली क्रोम बुक होती है। लोगों को ये समझना जरूरी होगा। अब होता क्या है कि लोग 5,000 रुपए की एड लगाकर सही है एक बहुत बड़ा जो है वो प्रमोशंस कर देते हैं कि 5,000 में आप लैपटॉप ले लें। बेसिकली वो 5,000 का लैपटॉप नहीं होता। समझने की बात ये है कि ये है लैपटॉप, ठीक है, ये है लैपटॉप, ये है लैपटॉप, ये होते हैं लगाएं भाई लैपटॉप। अच्छा देखें, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिनोवो की मशीन है, लिनोवो, ये 11 जनरेशन की। उस्मान भाई ये देखें, ये बताएं फराज भाई के लैपटॉप और क्रोमबुक में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। मेरे छोटे बच्चे हैं 2, सही है, मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्रोमबुक यूज करती हैं। बेसिकली क्रोमबुक आपके सारे काम नहीं कर सकता, विंडोज से रिलेटेड कोई भी काम आपका नहीं होता। अब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सारे काम आपके क्रोमबुक में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 5,000 में आप सोचें कैसे काम हो सकता है आपका, नहीं होता। सही बात है, आपका लैपटॉप ही आपके सारे काम करेगा। बस एक काम हो सकता है, स्क्रॉलिंग और ब्राउजिंग हो सकती है, सिर्फ ब्राउजिंग हो सकती है। आप उसमें यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक है, गूगल के काम हो सकते हैं सारे, प्ले स्टोर होता है, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, बाकी विंडोज से रिलेटेड कोई भी काम इसमें नहीं होता। अच्छा फराज भाई, हमारे पास सबसे सस्ता लैपटॉप कितना वाला? अच्छा हमारे पास सबसे सस्ता, हमारे पास खैर सस्ते की बात नहीं है, हमारे पास बेसिकली लैपटॉप की वैरायटीज हैं। हमारे पास 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, 11, 12, 13 जनरेशन तक हमारे पास लैपटॉप्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के लैपटॉप्स हैं आपके पास? वो भी हैं हमारे पास, 2 GB ग्राफिक कार्ड, 4 GB ग्राफिक कार्ड, 6 GB ग्राफिक कार्ड के अंदर उधर देख के बता, सारे लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल हैं। बस गुड हो गया। अच्छा ये बताएं, ये जो रंग बिरंगे खूबसूरत खूबसूरत आप देख रहे होंगे लैपटॉप, वहां भाई येलो, और ये है ग्रीन, अच्छा ये है वाइन कलर, ये है ब्लू टेक्सचर में, वाह भाई इतने हसीन हसीन, ऐसा लग रहा है कि यार कोई ब्यूटी पार्लर हो गया यार। चूजे के बच्चे, चूजे के बच्चे, हाँ चूजे के बच्चे, ये अच्छा भाई चूजे के बच्चे, अच्छा लोग कहते हैं बुलबुल के बच्चे, ये है चूजे के बच्चे, रंग बिरंगी होते हैं ना। अच्छा ये देखें, ये लैपटॉप फराज भाई ऐसे दिखाएं, ये हमारे पास ये पेंटियम लैपटॉप है, ठीक है, ये टच 360 है बेसिकली, ये देखें ये टच 360 लैपटॉप है हमारे पास, ये रहा, ये पेंटियम है, डुअल कोर सीरीज है ये हमारी, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें 4 GB रैम है, 4 GB इसमें रैम है, 128 GB की इसमें SSD है, ठीक है, ये है लैपटॉप, इसे हम कहते हैं लैपटॉप। अच्छा ये बताएं फराज भाई, ये जो 360 आप कह रहे हैं जी, ये पूरा यहाँ तक रोटेट हो गया, और ये टच स्क्रीन भी है? डेफिनेटली, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि भाई इसको आप एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं? 100%, ठीक है, टैबलेट में भी यूज होता है, पर आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब जो बात आती है ना, सॉफ्टवेयर हाउसेस जितने भी हैं जो कहते हैं कि यार हमें अपना सारा काम करना है अमेजोन पे करना है, बहुत सारी चीजों में काम करना है, तो बेसिकली वो इस तरफ आए कि वो अपना 4th जनरेशन का लैपटॉप लें, 6th जनरेशन का लैपटॉप लें, या फिर इस तरह के लैपटॉप लें ताकि उनके सारे काम हो सके। अब बाद में होता ही है कि वो 50 पीस 100 पीस ले तो लेते हैं, लेकिन वो वही पीस बेचने के लिए आते हैं कि सर हमारा काम नहीं हो रहा है इसमें, हमारा दराज नहीं चल रहा है इसमें, हमारे अमेजोन के सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, हमारी बहुत सारी चीजें इसमें नहीं चल रही, हमारी एडिटिंग नहीं हो रही, कोई भी काम उसमें उनका प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है। अच्छा आपने, सॉरी फराज भाई आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा ये पेंटियम है, ये पेंटियम वो वाले हैं जो हम लोग बचपन में यूज नहीं, 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 ये इक्विवेलेंट होता है i3 की 6th जनरेशन में, ठीक है, अगर आप बेसिकली i3 की 6th जनरेशन अभी लेंगे भी तो वो आपको तकरीबन 30,000 तक या 32,000 की पड़ेगी i3 की 6th जनरेशन। लेकिन ये आपको जो स्पेक्स मिल रही है ना, ये 4 GB रैम, 128 GB की SSD है, 128 GB की जब SSD है तो डेफिनेटली आपके सारे काम तो उसमें वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ आपके जो व्यूअर्स हैं या फिर जो देखने वाले हैं, वैसे तो हम इनको ऑनलाइन थोड़ा महंगा चला रहे हैं, तो हम सारे कस्टमर से माफी चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि मार्केट में हम ये सारे लैपटॉप लेके आ चुके हैं, तो ये सिर्फ आपके कस्टमर्स के लिए जो वीडियो देख के आएंगे उनके लिए 26,000 रुपये में, 26,000 में हम इनको टच 360 4128 के स्पेक्स के साथ ये लैपटॉप हम उनको देंगे 100%। अच्छा फराज भाई, अगर कोई कस्टमर आके यहाँ पर आपसे कहता है कि भाई कुछ ज्यादा है कुछ कम कर रहे हैं, इसमें कम नहीं हो सकते,
लेकिन फिर भी देखेंगे 26,000 फाइनल है, मतलब ये बिल्कुल फाइनल रेट है, इसमें कम नहीं हो सकते। थोड़ी कोशिश कर लेगा फिर आप, कोशिश करेंगे लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है उस्मान भाई प्राइम ट्रेडर्स वाहिद एक पूरी मार्केट में इदारा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हम 3 महीने की वारंटी देते हैं, कोई भी नहीं देता। हम 15 दिन का रिफंड दे रहे हैं, कोई भी नहीं देता। कोई एक मुझे कस्टमर बता दें या कोई एक दुकानदार बता दें जो 15 दिन के बाद भी आपसे रिफंड लेता हो, ऐसा है? ये आपने नोट किया होगा, ये 100% आपसे नहीं, ये हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। हमारा कस्टमर नाम लेके आता है, प्राइम का नाम लेके, कि यार हमें प्राइम पे जाना है। अगर लैपटॉप खराब भी होता है, लेट सपोज कोई मसला भी आता है, तो हम उनको 15 दिन के बाद भी कैटर कर लेते हैं, ऐसा तो मसला नहीं है। अच्छा फराज भाई, आपके जो ऑनलाइन के कॉन्टैक्ट्स हैं वो बता दें। ऑनलाइन के लिए हमारे पास प्राइम ट्रेडर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है प्राइम ट्रेडर्स के नाम से, यूट्यूब पे हमारा पेज है प्राइम ट्रेडर्स ऑफिशियल के नाम से, तो ये सारे हमारा है। टिकटॉक पर भी है, तो ये सारी चीजें ऑफिशियली हमारी वहाँ पर हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर्स वहाँ पर से भी जाकर के अपनी जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके इजीली यहाँ पर। ठीक है, हम आपको अच्छा नेक्स्ट मॉडल कौन सा दिखा रहे हैं आप? अच्छा नेक्स्ट मॉडल हमारे पास ये है, ये देखें 6th जनरेशन है। ठीक है, ये आप इस मॉडल को देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पीस है आपके सामने। ये 8 GB रैम के अंदर 256 GB SSD है। ठीक है, HP 640 G2 है, ये G2 की मशीन है ये। उस्मान भाई 40-42,000 की हम चला रहे हैं, और मार्केट में भी इतने की चल रही है 38-40 की, लेकिन ये मशीन हम आपको दे देंगे 37,000 रुपए की। 6th जनरेशन DDR4 की मशीन है ये, DDR4 की मशीन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। हम स्पेक्स के साथ नहीं खेलते। अब लोग आपको बोलेंगे ये मशीन आप 30 में ले लें, वो 30 में बताए कैसे मिलती है, कैसे बताएं? 4 GB रैम, 120 GB या 300 GB की नॉर्मल हार्ड ड्राइव, ऐसा कोई काम ही नहीं करना। अच्छा SSD डाली भी है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी? हाँ, 8 GB की रैम है, 256 GB की SSD है। SSD भी आपको पता है 5,000-5,500 रुपए की है, 8 GB की रैम आपकी तकरीबन 4,000 रुपए की है, तो आपके 10,000 तो 10,000 तो ही माइनस कर लें इसमें, 26,000 रुपए का आपका लैपटॉप हो गया। वाह यार जबरदस्त हो गया। पर आज भी नेक्स्ट बताएं कौन सा आपके पास? उसके बाद हमारे पास ये, वाह यार बिल्कुल जीरो मीटर हो रही है भाई ये तो। अच्छा बेसिकली लोग करते क्या है कि ये मशीनें जो है वो बॉक्स पैक करके बेचते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम बॉक्स पैक करके नहीं बेच रहे होते। ये 10th जनरेशन की मशीन है उस्मान भाई, 440G7 की मशीन है ये, 10th जनरेशन की, 8 GB रैम है, 256 GB की SSD है। ताजी ये देखें कितनी हसीन हो रही है, पूरी मेटेलिक है जी, पूरी मेटेलिक देखें आप ये माशाल्लाह से, बिल्कुल जीरो मीटर और जबरदस्त। फराज भाई इसके प्राइस बताइएगा फराज भाई। अच्छा इसके प्राइस मुझे अच्छी लग रही है भाई बहुत, इसके प्राइस उस्मान भाई सिर्फ आपके लिए 85,000 85,000 रुपए की मशीन है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए अदनान भाई 85,000 फाइनल है, इसमें कुछ होंगे अभी भी आप गूगल खोलेंगे ना, ये मैं भी गूगल खोलूंगा तो ये मशीन आपको 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 की ही मिलेगी, और 1,50,000 में बॉक्स पैक मिलती है आपको। नेक्स्ट कौन सा ये आपको अदनान भाई बताएंगे जेड बुक के बारे में। अदनान भाई ये जेड बुक i7 9th जनरेशन, ठीक है जेड बुक i7 9th जनरेशन, 32 GB इसमें रैम है और 1 TB SSD है। ये उनके लिए जो हैवी एडिटिंग ग्राफिक्स वगैरह उसके लिए होती है ये मशीन। आप देखें उस्मान भाई सिर्फ i7 9th जनरेशन, i7 की 9th जनरेशन है और इसमें 1 TB की SSD लगी हुई है, 1 TB की SSD, कैन यू इमेजिन? अब अगर SSD लेने जाएंगे ना 1 TB की, तो आपको अंदाजा होगा उतने में तो एक लैपटॉप आ जाता है अच्छा सा। हकीकत बात है भाई, SSD आपको मिल रही है इसके साथ 1 TB, और उसके अलावा जो आपने स्पेक्स बताई हैं वो तो बड़ी जबरदस्त है, मतलब जो भी हैवी से हैवी काम करना हो ना ये इस लैपटॉप में सारे काम हो जाएंगे। अच्छा इसके प्राइस भी हैवी होंगे फिर? इसके प्राइस तो हैवी हैवी है, लेकिन ये आपके लिए नॉर्मल प्राइस रखा है। नॉर्मल ये है कि बंदा ले सकता है। नॉर्मल क्या है प्राइस? जैसे वैसे मार्केट में इसके 2,00,000-1,90,000 रुपए, हम ये दे देंगे 1,80,000 रुपए। कुछ और याद कर दें भाई, 1,75,000 भी दे, कुछ और याद कर दें, बस 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 कुछ और कर दें, नहीं नहीं 1,75,000 चार्जर ही खाली 5,000 रुपए का। अच्छा इसका चार्जर खाली 5,000। इसके अलावा और बताएं? इसके अलावा हमारे पास ये मशीन जो मैंने आपको बताई थी, ये 11th जनरेशन की मशीन है उस्मान भाई। ये 11th जनरेशन की मशीन अगर आप परचेज भी करेंगे ना, तो अभी जो 11th जनरेशन की मशीन बॉक्स पैक जो मिल रही है ना, वो 1,45,000 रुपए की मिल रही है, 1,50,000 रुपए की, 2,05,000 तक के रेट हैं। ओके, लेकिन ये E14 की मशीन है, ये हम अपने कस्टमर्स को जो देंगे अदनान भाई, ये हम अपने कस्टमर को देंगे 85,000। ये भी 85 मिलेगा ये, हालांकि हमने 1,00,000 की सेल की है,
एक लाख की सेल की है और ये बॉक्स में डाल के हमने बेची। उस्मान भाई आप कस्टमर्स के लिए 85,000 सेम ये 85 जनरेशन, ये 10 जनरेशन भी 85,000 की, बस फर्क ये है कि लेनोवो है, ये एचपी की मशीन है, जबरदस्त फर्क है इसमें। यार देखिए नाज़रीन आपके सामने ही लैपटॉप्स, अब आपको पता लग गया होगा क्रोमबुक और लैपटॉप का फर्क, और लैपटॉप किस चीज के लिए होते हैं, लैपटॉप कितना काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सबने पंख साहब अपने प्यारों को बहुत ज्यादा रखें ख्याल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।